Today, me Shubham, alongside with me, my father, is going to share with you all our Corona experience, or rather, I can quote it as our fight against the pandemic. पॉजिटिव जैसे हम लोग सुने तो एक सेटबैक तो आया ही, लेकिन हम लोग सारे लोग इतना माइंड मेकअप कर चुके थे और सिम्टम्स देख के लग रहा था, तो 21st को हम लोग इनको जो है हॉस्पिटल के लिए भेज दिए, जो कि एम्बुलेंस के थ्रू गई, और उसी दिन हम लोग अपना और अपने मेड का सारे लोग जो है सैंपल दिए, और इसका रिजल्ट हमको 23rd को आया, जिसमें दोनों बच्चों का पॉजिटिव आ गया और हमारा और हमारी मेड का निगेटिव रहा। तो घर में एक कमरे को हम लोग जो अटैच वॉशरूम के साथ है उसको होम क्वारंटाइन आइसोलेशन रूम बना दिया, और गवर्नमेंट के गाइडलाइन के तहत मैं मेनू बनाया, उसमें समय समय पे काढ़ा, गर्म पानी, तली भुनी चीज़ें नहीं देना, लिक्विड पदार्थ देना, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, सारे प्रिकॉशन हम लोग लिए, और हमारे नेबर ने हमको भी काफ़ी सपोर्ट किया, उनको हम कभी नहीं भूलेंगे। इस बीच हमारी मैडम हॉस्पिटल में थी, उनको भी मुझे देखना था, उनको बीच बीच में मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल बातें, सारा कुछ हम जो है बात करते रहे, बताते रहे, वो भी वहाँ पे काफ़ी खुश थी, वहाँ की टीम उनको काफ़ी सपोर्ट कर रही थी। उसका रिजल्ट था कि 8 दिन में उन्होंने उनको घर को वापस भेज दिया। सबसे बड़ी चीज़ है इसमें हम किस तरह से मेंटली फाइट करें। प्रॉब्लम तो आ गई है, मुझे भी डर लगता था घर में 3 लोग हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो, लेकिन बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है, और लड़ाई तभी होगी जब एकजुट हों, सबका फोकस एक हो कि हमको यह करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, गर्म पानी, काढ़ा, इस सबको मेंटेन करना पड़ेगा। The news of coronavirus was a setback to all of us, but it was the family unity among 4 of us that made these 28 days pass away, and we never realized that we were facing such an issue.